क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सवाई ग्रास का जो प्रोडक्ट होता है उसका रॉ मटेरियल किस तरह की प्रोसेसिंग होता है, वो सारा कुछ अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो गाइस, मेरा नाम है दिलीप, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विलेज सवाई हैंडीक्राफ्ट्स। गाइस, हमारे फार्म का जो है तो ये दूसरा वीडियो है रॉ मटेरियल के बारे में। तो हम लोग का क्या रहता है ना, रॉ मटेरियल जब आता है तो जल्दी जल्दी से उसको उतारने के टाइम में हम लोग वीडियो अच्छे से ले नहीं पाते हैं। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कोशिश करूँगा कि आपका जो रॉ मटेरियल उतारने के लेके सुखाई किस प्रोसेस में हो रहा है, सुखाई होने के बाद उसको पैकेजिंग करके किस प्रोसेस में रखते हैं, फिर बुनाई किस प्रोसेस में होता है, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं एक वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग ये देख सकते हैं कि जो खजूर का पत्ता है उसके डाल से किस तरह की छिला जा रहा है। ये छिलके, ये जो अभी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, सुखाई करने के बाद ये व्हाइट की तरह आ जाता है। अभी ये कच्चा है इस वजह से ग्रीन दिख रहा है। अभी अच्छे से छिलाई होता है, एक एक करके छिल देते हैं इससे छड़ी से, फिर छत के ऊपर या बालू में हम लोग सुखा देते हैं इसको। अभी किस तरह के बंडल होके आया है आप देख सकते हैं। सभी आर्टिसन लोग जो है आके मतलब इसका काम में हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को। बाकी जो है सभी आर्टिसन तो नहीं आ पाए, क्योंकि जिन जिन का घर पास में है, फार्म के पास में है, वही लोग आ पाए हैं, और दूर दूर में जो आर्टिसन है वो लोग आ नहीं पाए। फिर भी जो इन लोग आर्टिसन लोग जितना भी हेल्प कर रहे हैं ये सारा काम प्रोसेस में, तो उनके लिए मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक्स है। तो कितना ज़्यादा पत्ता है आप देख सकते हैं, तो इतना आर्टिसन एक एक करके छिलना बहुत मुश्किल वाला काम है, फिर भी वो लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रोसेस में हो रहा है। सो गाइस, अगर आपने ये हैंडीक्राफ्ट आइटम में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे फार्म में कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, होलसेल में हमारे पास से मिलता है, तो आप अगर होलसेल में लेना चाहते हैं घर के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, तो आप नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए।